हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनस्टैक सॉल्यूशन में। सो आज के वीडियो में मैं आपको मार्क्यू टैग के बारे में बताने वाला हूँ। सो मार्क्यू टैग क्या होता है और उसको कैसे यूज़ करते हैं, तो आज के वीडियो में यही बताने वाला हूँ। मार्क्यू टैग मीन्स वेब पेज में हम लोग एनिमेशन दे सकते हैं। तो बिना कोई देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आप मार्क्यू टैग को तो जानते ही होंगे, या नहीं जानते तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बता दूंगा और इसका एट्रीब्यूट सब भी बता दूंगा। मार्क्यू टैग हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली टेक्स्ट को एनिमेशन देने के लिए। मीन्स टेक्स्ट इधर उधर हिले या टेक्स्ट को एनिमेशन देने के लिए हम लोग मार्क्यू टैग का यूज़ करते हैं। सो मैं अभी रेडी होता हूँ मार्क्यू टैग को यूज़ करने के लिए। सो नॉर्मली मैं इधर मार्क्यू लिखता हूँ। मार्क्यू आप देख सकते हैं किस तरह मैंने मार्क्यू टैग का यूज़ किया है। बॉडी के अंदर ये दरअसल यूज़ होता है। MARQUU EE स्पेलिंग एकदम सही लिखना है। मार्क्यू टैग को यूज़ करने के बाद इसका क्लोजिंग टैग भी होता है बेसिकली। तो मार्क्यू टैग को यूज़ करने के बाद फिर इसको क्लोज कर देंगे नॉर्मली। तो मैं मार्क्यू को क्लोज करता हूँ। जैसे ही मैं मार्क्यू को क्लोज करने के बाद इसके अंदर आपको कुछ लिखना रहता है। तो अभी मैं इसको सेव करता हूँ। मार्क्यू टैग लिखने के बाद सेव करता हूँ और इधर रिफ्रेश करता हूँ, बट इधर कुछ नहीं आया क्योंकि इसके अंदर हम लोग ने कुछ लिखा ही नहीं। अभी हम लोग इसके अंदर कुछ लिखते हैं। वेलकम टू माई चैनल लिखता हूँ। वेलकम टू माई चैनल। तो गाइस वेलकम टू माई चैनल लिखने के बाद मैं इसको सेव करके इधर रिफ्रेश करता हूँ। सो इधर आप देखिएगा क्या चेंजेस आया और ये वेलकम टू माई चैनल का मार्क्यू देखिएगा कैसे। सो आप देख सकते हैं इधर वेलकम टू माई चैनल जो मैंने लिखा और इसमें जो मैंने मार्क्यू यूज़ किया है, तो ये किस तरह इसका एनिमेशन फ्लो डाउन हो रहा है। लेफ्ट टू राइट जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, किस तरह ये हमारा एनिमेशन वर्क कर रहा है वेलकम टू माई चैनल। सो इसी तरह आप मार्क्यू का यूज़ करके कर सकते हैं। और मार्क्यू के अंदर जो जो एट्रीब्यूट यूज़ होता है वो भी आपको पूरा मैं बता रहा हूँ। सो मार्क्यू के अंदर बेसिकली एक एट्रीब्यूट है, ये जो आप देख रहे हैं अभी, ये जो आप देख रहे हैं इसका कम से कम नॉर्मल स्पीड है। आपको अभी इसको स्पीड करना है, ये अभी नॉर्मल स्पीड में, तो ये वेलकम टू माई चैनल को स्पीड करना है मार्क्यू में। तो हम लोग एक एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, वो एट्रीब्यूट का नाम है स्क्रोल। ये बहुत न्यू एट्रीब्यूट है, अभी HTML5 में आया है, स्क्रोल अमाउंट। तो हम लोग स्क्रोल अमाउंट की मदद से ये कर सकते हैं। सो इधर सिंपली स्क्रोल अमाउंट में लिख के इजी कर्सिव लगा देता हूँ। तो आपको स्पेलिंग सही से देख लेना है, SCROLLEMOUNT। तो मार्क्यू स्क्रोल अमाउंट डाल के आपको जितना स्पीड चाहिए उतना स्पीड आप इधर डाल के कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मली अभी इधर 12 स्पीड लेता हूँ। आपको 12 स्पीड लेके मैं इधर सेव करता हूँ, फिर आपको देखना मिलेगा इधर चेंजेस, स्पीड में चेंजेस। सो जैसे ही मैं 12 स्पीड देता हूँ, आप देख सकते हैं कितना फास्टली ये मूव हो रहा है 12 स्पीड देने के बाद। और अभी मैं इधर कुछ ज़्यादा स्पीड दे रहा हूँ, तो मैं अभी नॉर्मली इधर मैं 30 का स्पीड देता हूँ। अब आप देखिएगा कितना तूफान जैसा भाग गया हमारा मार्क्यू टैग। सो मैं इधर सेव करता हूँ, उसके बाद इसमें जाता हूँ, फिर इधर रिफ्रेश करता हूँ। आप देख सकते हैं कि वेलकम टू माई चैनल दिखाई भी नहीं दे रहा, इतना फास्ट है वेलकम टू माई चैनल का मार्क्यू। तो इसी तरह आप मार्क्यू को फास्ट कर सकते हैं स्क्रोल अमाउंट के मदद से। तो मैं अभी नॉर्मली इधर 10 का स्पीड दे देता हूँ, अभी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। नॉर्मली इधर 10 का स्पीड देने के बाद इधर रिफ्रेश करता हूँ। सो अभी नॉर्मल है। तो वेलकम टू माई चैनल के बाद एक एट्रीब्यूट आपको पता चल गया स्क्रोल अमाउंट। उसके बाद मैं इसमें बीजी कलर भी एट्रीब्यूट यूज़ कर सकता हूँ। बीजी कलर तो आप जानते ही हैं, इसका बैकग्राउंड में कलर दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर। तो मैं इधर बीजी कलर देता हूँ। तो बीजी कलर में कुछ इसका बीजी कलर येल्लो रखता हूँ नॉर्मली। तो डबल ब्रैकेट ओपन, फिर इसके अंदर मैं लिखता हूँ YELLOW। येल्लो लिखने के बाद Ctrl+S या आप इधर से सेव करके मैं रिफ्रेश करता हूँ। फिर आप देख सकते हैं किस तरह हमारा वेलकम टू माई चैनल जो है किस तरह लेफ्ट टू राइट जा रहा है मार्क्यू टैग यूज़ करने के बाद। तो बीजी कलर का एट्रीब्यूट दे दिया। बीजी कलर के बाद इसका डायरेक्शन हम लोग चेंज करना है। अगर आपको वेलकम टू माई चैनल का डायरेक्शन चेंज करना है, अभी लेफ्ट टू राइट हो रहा है ना, तो हम लोग को इसको राइट टू लेफ्ट करेंगे, मीन्स इधर से आएगा और इधर चले जाएगा। तो उसके लिए हम लोग को नॉर्मली इसके लिए हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा डायरेक्शन एट्रीब्यूट। तो डायरेक्शन एट्रीब्यूट के लिए हम लोग नॉर्मली डायरेक्शन लिखेंगे। डायरेक्शन तो DIRECTION, स्पेलिंग सही से रखिएगा। डायरेक्शन के बाद डबल ब्रैक इन्वर्टर कॉमा डबल, फिर मैं इधर RIGHT राइट करता हूँ। राइट करने के बाद इधर मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद इधर मैं रिफ्रेश करता हूँ। आप देख सकते हैं ये राइट से आ रहा है, जैसा मैंने आपको बोला था कि डायरेक्शन यूज़ करने के बाद आप इसका डायरेक्शन मेंटेन कर सकते हो। अगर इसका डायरेक्शन राइट, लेफ्ट, अप और डाउन भी होगा, तो
सो मैं अभी इसका डायरेक्शन नॉर्मली अप रखता हूँ। तो अप रखने के बाद आप देख सकते हैं किस तरह मार्क्यू टैग हमारा आएगा। अप रखने के बाद इधर रिफ्रेश करता हूँ, सो आप देख सकते हैं वेलकम टू माई चैनल जो है इधर अप में कितना बार बार होते जा रहा है, होते जा रहा है। सो अभी डाउन भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, तो टोटल चार होता है डायरेक्शन के अंदर, अप डाउन राइट लेफ्ट। तो मैं नॉर्मली अभी इधर राइट ही करता हूँ, RIGHT राइट रखने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ, इधर रिफ्रेश करता हूँ, फिर ये राइट आ गया। फिर हम लोग, मैंने एक दो तीन एट्रीब्यूट्स के बारे में बता दिया मार्क्यू के अंदर, और अभी हम लोग लास्ट एट्रीब्यूट्स के अंदर चलते हैं जो हमारे मार्क्यू में सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे स्टाइलिश और अच्छा है, बिहेवियर। तो हम लोग ये मार्क्यू के अब बिहेवियर बता सकते हैं कि कैसे हम लोग को इसको मूव कराना है टेक्स्ट को। तो बिहेवियर बिहेवियर BEHAVIR बिहेवियर इज इक्वल्स टू, मैं बिहेवियर इज इक्वल्स टू, आप अभी देख रहे हैं जो ये हमारा टेक्स्ट है वो राइट से निकल के लेफ्ट में जा रहा है, उसके बाद अंदर घुस के फिर से रिटर्न आ रहा है। और अभी ये टेक्स्ट आप चाहते हैं कि अंदर ना जाए, ये इधर से इधर बाउंस खाए, बाउंस खाए वेलकम टू माई चैनल, तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट्स है, बहुत अच्छा एट्रीब्यूट है अल्टरनेट। तो आप एक एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं अल्टरनेट, तो मैं नॉर्मली बिहेवियर अल्टरनेट डालता हूँ, फिर Ctrl+S करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि ये अल्टरनेट जो मैंने लिखा है उसका कैसे यूज़ हो रहा है। जैसे मैं अल्टरनेट लिखता हूँ तो ये वेलकम टू माई चैनल अंदर नहीं जाएगा, इसका बाउंस होके फिर इधर ही मूव करेगा। तो ये बहुत अच्छा एट्रीब्यूट है, मैक्सिमम वेबसाइट में यही रहता है। तो देखिए किस तरह ये वेलकम टू माई चैनल बाउंस हो रहा है, इधर बाउंस होके फिर इधर बाउंस होगा, फिर इधर बाउंस होके फिर इधर बाउंस होगा, बहुत ही अच्छा एट्रीब्यूट है। सो अभी हम लोग आपको बिहेवियर के बारे में बता दिया अल्टरनेट, और बिहेवियर के अंदर एक और आप दे सकते हो, एक और बिहेवियर दे सकते हो, उसका नाम है स्लाइड। तो मैं स्लाइड यूज़ करता हूँ, SLIDE। सो अभी स्लाइड का देखते हैं कैसा क्या होगा यूज़। तो स्लाइड यूज़ करने के लिए मैं सेव करता हूँ, फिर रिफ्रेश करता हूँ, फिर आप देख सकते हैं ये स्लाइड जो है कुछ नहीं, नॉर्मली उधर से निकलेगा और इधर स्टॉप हो जाएगा। स्लाइड का मतलब ही होता है कि एक ही बार ये यूज़ होता है, कहीं से भी राइट से निकला और इधर बीच में स्टॉप हो जाएगा, आप देख सकते हैं किस तरह स्टॉप हो जाएगा। तो स्लाइड जो है वो अभी चलते रहेगा, स्लाइड मीन्स बाय डिफॉल्ट वो स्टॉपिंग वाला ही रहता है, स्लाइड एक जगह से निकलेगा और लेफ्ट में स्टॉप हो जाएगा, वो एक ही बार यूज होता है। तो हम लोग ने आज बिहेवियर के अंदर अल्टरनेट और स्लाइड को देखा, तो मैं अल्टरनेट ही रहने देता हूँ, स्लाइड भी अच्छा लग रहा है, तो सपोज मैं अल्टरनेट ही रहने देता हूँ। तो मैं फिर से इसमें अल्टरनेट यूज़ करता हूँ, अल्टरनेट इसमें अल्टरनेट यूज़ करता हूँ, Ctrl+S करता हूँ, और फिर आप देख सकते हैं किस तरह मैंने मार्क्यू टैग को यूज़ किया है। आपको कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपली मार्क्यू के अंदर आपको स्क्रोल अमाउंट, बीजी कलर, डायरेक्शन और बिहेवियर के बारे में मैंने बताया है, ये सब के बारे में। सो आप भी यूज़ कर सकते हो बहुत ही सिंपली, और आप अभी देख सकते हैं मैंने अल्टरनेट लगाने के बाद वही वेलकम टू माई चैनल जो है वो बाउंस होके फिर से उधर ही बैक जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है। तो आज के वीडियो में इतना ही था कि आपको मार्क्यू टैग के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन बताओ कि किस तरह मार्क्यू टैग यूज़ होता है। सो आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड सी यू। I'm not the one who's running out of time.